हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज वी डिस्कस द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10th फिजिक्स, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कस अप टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट। वी ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड टूडे आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक, द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो जो ये दोनों रूल्स हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, these are used in the motor and the generator. So firstly we discuss the DC motor, and after that we discuss the DC generator and AC generator. In that case we use the right hand rule, but in the DC motor we use the left hand rule. So before starting the DC motor and the generator, we will firstly discuss these two law. So let's start. First one is Fleming left hand rule. इसमें देखिए क्या है, स्ट्रेच योर लेफ्ट आर्म इन सच अ मैनर सो दैट इफ योर इंडेक्स फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड हैंस थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा होगा, तो इसको पहले हम अपने लेफ्ट हैंड से ही समझते हैं। देखिए कैसे। So you see in such a way that we stretch our left arm. We stretch our left arm in such a way that our first finger क्या represent कर रही है, magnetic field। जो हमारी middle finger है, देखिए ये वाली, ये हमारी कौन सी finger है, middle। तो middle finger क्या represent कर रही है, current। And जो हमारा thumb है वो क्या represent कर रहा है, force। तो students आपको याद रखना है कि Fleming left hand हम use करेंगे लेफ्ट हैंड रूल को टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो हमारी सेंट्रल फिंगर है या कहेंगे मिडल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, करंट। एंड जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा मोशन। क्लियर। सो दिस इज आर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। So students, in such a way we also represent that first finger। आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा ये कि हमारे पास जो है यहाँ पर first finger क्या represent कर रही है, field, F4 field। अगर हम field की बात कर रहे हैं तो कौन सा field होगा, it is the magnetic field। एंड आर जो हमारे पास है सेंट्रल फिंगर, जो हमारी सेंट्रल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, C4। याद रखना है आपने C4 करंट। ये आपकी आपके लिए है कि आपको इसको याद कैसे करना है। और हमारे पास है थर्ड थिंग थंब। थंब में आपको याद रखना है M स्टैंड फॉर मोशन, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है या फिर मोशन में ऑब्जेक्ट तभी आ सकता है अगर उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स। सो लेट्स रीड आर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगेन। सी, स्ट्रेच योर लेफ्ट आर्म इन सच अ मैनर सो दैट इफ योर इंडेक्स फिंगर यहाँ पर बोला गया है जो हमारी फर्स्ट फिंगर है। फर्स्ट फिंगर को हमने कौन सी फिंगर बोला है, इंडेक्स फिंगर। फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर, या हम बोल सकते हैं उसको सेंट्रल फिंगर, मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ पर मिडल फिंगर या सेंट्रल फिंगर क्या शो कर रही है, करंट। एंड हैंस थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और थंब क्या दे रहा है हमें, फोर्स दे रहा है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर ऑल द थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो हमने नोट भी किया था कि जब हमने क्या किया, तीनों फिंगर्स की बात की, तो तीनों फिंगर्स क्या थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। सी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट इज राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये सिमिलर ही है उसके, बस इसमें क्या है, जो लेफ्ट हैंड रूल है वो यूज़ किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बट द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या किया, स्ट्रेच योर राइट आर्म। हम किसको स्ट्रेच करेंगे, हमारी राइट आर्म को। तो हमारी ये थ्री फिंगर्स हो गई, उसमें
जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेंट्रल फिंगर, करंट। और जो हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोशन। सेम वही चीज़ है इसमें, तो फिर डिफरेंस क्या है? देखो इसमें ये सेम चीज़ लिखी हुई है, योर राइट हैंड इन सच अ मैनर सो दैट इफ़ योर इंडेक्स फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हैंस मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सेम है, तो डिफरेंट डिफरेंस जो बीच में दोनों में क्या है कि फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड रूल, वो यूज़ किया जाता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रूल लगता है? फोर्स की डायरेक्शन। और हम इसको यूज़ करते हैं स्पेशली किसमें? मोटर्स में। किसमें? डीसी मोटर में हम इसको यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए? इंड्यूस्ड करंट की, जो करंट इंड्यूस हुआ होगा। ठीक है, इसमें हम जैसे अब जनरेटर में लगा लो कि जनरेटर में करंट ऑलरेडी नहीं होता, पहले हम जनरेटर में क्या करते हैं? उसको फोर्स देते हैं, फिर करंट जनरेट होता है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो किस में यूज़ होता है? ये जनरेटर्स में। क्लियर? तो अब नीचे आपको एक डायग्राम बनाई हुई है, देखिए इसमें जो हमारे पास ये है, ये क्या शो कर रहा है? थंब। थंब क्या शो करता है? फोर्स, या फिर हम कहेंगे मोशन। ये कौन सी फिंगर है? ये है हमारी फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन। और जो हमारी सेंट्रल फिंगर है, ये क्या शो कर रही है? करंट। सिमिलरली इन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो हमारा थंब है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन, या फिर हम कहेंगे फोर्स। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। एंड आर इन सेंट्रल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ये वैसे मैंने आपके लिए साइड में भी लिखा हुआ है, देखिए थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स। इंडेक्स फिंगर, या इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट फिंगर, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंड्यूस करंट। सो स्टूडेंट, दिस इज आर फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज ऑल योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर करने से पहले जो आपको ये रूल था, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वर्किंग में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यूज़ होगा। सो इसलिए मैंने एक छोटा सा पार्ट जो है वो इसका पहले बना दिया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डीसी मोटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।